हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बॉली पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कपूर फैमिली हर वक्त चर्चे में रहती है, आए दिन उनके बारे में कोई ना कोई अपडेट सुनने में मिलती है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया की जीनत बने रहते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं करीना कपूर खान के बारे में। जी हाँ, करीना कपूर खान के बारे में एक इंतहाई अफसोसनाक खबर निकल कर सामने आ गई है। आखिर ऐसी कौन सी खबर है? खबर की तफसील आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और ऐसी मजीद लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए यूट्यूब के मुनफरिद चैनल बॉली पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी खबर आपसे मिस ना हो पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज जहांगीर अली खान की बर्थडे सेलिब्रेट की गई थी। जहांगीर अली खान करीना कपूर खान और सैफ अली खान के छोटे बेटे हैं। गुज़िश्ता रोज उनकी बर्थडे को बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया गया और काफी ज्यादा वीडियोस भी बनाई गई, जिसमें हमने देखा कि सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने बर्थडे को खूब एंजॉय किया और सेलिब्रेट भी बहुत अच्छे तरीके से किया। हमने उसमें देखा कि खाने पीने में भी किसी किस्म की एहतियात ना की गई। उसके बाद बताया जा रहा है कि करीना कपूर खान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई और अब उनके बारे में ये खबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीना कपूर खान कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। जी हाँ, उनके बारे में खबर निकलकर सामने आ गई है कि करीना कपूर खान खुद को कोरोना से महफूज ना रख पाई और वो कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि उनको हॉस्पिटल में भी देखा गया है। तो अब उनकी सेहत को लेकर या उनके बारे में जो भी अपडेट सामने आएगी, हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो की सूरत में आगाह करेंगे। तो इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय से कमेंट सेशन में आगाह करें। और ऐसी मजीद लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए यूट्यूब के मुनफरिद चैनल बॉली पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी खबर आपसे मिस ना हो पाए। और हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आए दिन हम आपको नित नई खबरों से आगाह करते रहें। शुक्रिया।